कर्ताजना किस्त नंबर 9। ये दानियाल का अपना जहाज था, इसने हाल ही में खरीदा था। वो एक लंबे सफर पर रवाना हो रहा था। आखिर वक्त में से याद आया कि इस मर्तबा वो महापुरुष तारूसा से मिलने नहीं गया था, और अपनी इस कोताही का अजाला करने के लिए इसने ऐन रवानगी से पहले महापुरुष से मिलने का फैसला किया। इस वक्त तक इसके साथी जहाज पर सवार हो चुके थे। वो इन्हें वही रोक कर एक तेज रफ्तार रथ के जरिए बुर्ज आजम पहुंचा। महापुरुष से मिला, आशीर्वाद लेकर वापस चल दिया। वो यहूदी था, बुतप्रस्त नहीं था, लेकिन फिर भी बुतप्रस्तों के सरदार महापुरुष से मिलने आया था। ऐसा क्यों था? दरअसल इसे महापुरुष के ज्ञान पर यकीन था। वो बहुत पहले ही यहाँ आया करता था, लेकिन कभी कभी जब भी इसे अपने मुस्तकबिल का कोई शगुन लेना होता वो महापुरुष से मिलने आता। जहाँ तक महापुरुष की बुतप्रस्ती का ताल्लुक था, तो दानियाल अच्छी तरह जानता था कि महापुरुष के दर्जे का कोई शख्स फिर हकीकत बुतप्रस्त नहीं हो सकता। वो जानता था कि महापुरुष देवताओं के बुतों को मुहारिबों तमाशील से ज्यादा दर्जा नहीं देता। ऐसे तजर्बे ऐसी उम्र के लोग हकायक से वाकिफ हो जाते हैं। महापुरुष के लिए मिलकर तशमूनिया ताय देवता के बुत महज मुजस्मे थे। वो जानता था कि इनके पीछे हकीकत मुतलका महज एक है, और वो है ईश्वर। दानियाल महापुरुष से मिलकर लौट रहा था कि इसके सामने एक निकापोश खातून से हो गया। न जाने क्यों दानियाल के कदम रुक गए, इसके दिल की हालत गैर हो गई और वो गहरी सोचों में गुम हो गया। आखिर वो खातून कौन थी? वो बचपन से लेकर अब तक अपनी महबूबा को तलाश करता फिर रहा था। शायद यही वजह थी कि हर लड़की से अपनी आमूसा ही लगती थी। इसने बाहर निकलकर तस्दीक की तो पता चला कि वो खातून कर्ताजना की कवारी जाफी कस थी। दानियाल ने अपने सर को बेजारी के आलम में झटका और रथ पर सवार होकर वापस चला आया। लेकिन वो दिल में सोचता था कि कर्ताजना की कवारी की आंखों में अजब कशिश थी। इसने दिले दिल में कर्ताजना की कवारी के हुस्न को सराहा और फिर इसका ख्याल दिल से निकाल दिया। अब वो अपने जहाज पर सवार हो चुका था। ये बिल्कुल नया नवीला जहाज था। वो लोग घूम जाना चाहते थे। जहाँ इनके पेश नजर दो मकासद थे, एक तो रूमिया सीना कलारीना को बखैर वाफियत इसके वतन पहुँचाना और दूसरा संतोष को तलाश करना। एक तीसरा मकसद जो दानियाल के दिल में पोशीदा था वो था आमूसा की तलाश। वो आमूसा जो इसकी बचपन की मोहब्बत थी और जो कई साल पहले अपने बाप हसदरू के साथ फलस्तीन के सफर पर रवाना हुई थी, लेकिन फिर कभी वापस न लौटी। दानियाल अब अपनी खानदानी जिम्मेदारियों से फारिग हो चुका था। इसने यही फैसला किया कि अब मरते दम तक आमूसा को तलाश करेगा। यही वजह थी कि वो दिलजलों के इस काफिले को लेकर रूम की तरफ रवाना हो रहा था। इसका जहाज नहायत खूबसूरत था। ये एक छोटा जहाज था जिसमें गोल चक्करदार मशीन लगी हुई थी, जिसके बड़े बड़े हैंडलों को कोलों की तरह घुमाया जाता और इसकी तह में लगे लोहे के पंख पानी को पीछे धकेलते। ये कर्ताजना के कारीगरों ने बनाया था, लेकिन इसकी बनावट का तरीका सारा की उसके साइंसदानों की ईजाद थी। वो शहर जहाँ आने वाली सदी में अर्शमीदस पैदा होने वाला था, एक ऐसा साइंसदान जिसकी लीवर की ईजाद पूरी दुनिया के अमली ढांचे को मिकानियात की तरफ मोड़ने वाली थी। दानियाल ने ऐसा जहाज इसलिए खरीदा था ताकि इसे गुलामों की जरूरत न पड़े। आम हालात में दो बैल जहाज के कूलों को घुमाते और जहाज आम रफ्तार से चलता रहता। जरूरत पड़ने पर इन बैलों को चाप भी छड़ी के जरिए तेज उड़ाकर जहाज की रफ्तार को तेज भी किया जा सकता था, और अगर इससे भी ज्यादा तेज उड़ाना मकसूद होता तो जहाज के तहखाने में चप्पू चलाने के रखने भी बने हुए थे, क्योंकि यही महीने ये मशीनी जहाज बिजली की रफ्तार हासिल करने की सलाहियत का हामिल था। ऐसा दानियाल ने इसलिए किया था ताकि कजाकों से मुठभेड़ होने की सूरत में वो नहायत तेजी से फरार हो सके। दानियाल ने जिस सौदागर से जहाज खरीदा था, इसका पालतू बंदर छम्मू भी जहाज के हमरा दानियाल के हिस्से में आ गया था। आम बंदरों से शराबी और खतरे के वक्त चीख चीख कर खबरदार करने वाला छम्मू इस जहाज को अपना घर समझता था। दानियाल ने खरीदे वक्त सौदागर से जहाज का नाम भी पूछा था। बेचने वाले सौदागर ने जहाज को बरका कहकर पुकारता था। अब बरका छम्मू समेत दानियाल की मलकियत था। बेचने वाले सौदागर ने आखिरी वक्त में दानियाल से दरख्वास्त की थी कि वो छम्मू का खास ख्याल रखे, उसे केले खिलाए, क्योंकि केले छम्मू की पसंदीदा गजा थी। दानियाल के सारे साथी अपने ही थे, कलाडीना, शीतल और किदार। उन्होंने किदार को बहुत जल्द ढूंढ लिया था। इन चारों के अलावा इस जहाज पर हमले के ज्यादा लोग नहीं थे। आरफान जहाज का पुराना मल्लाह था। वो इस जहाज को एक कल को समझता था। जहाज खरीदते वक्त दानियाल ने सौदागर से दरख्वास्त की थी कि जहाज के पुराने तजर्बाकार मल्लाह को भी इस जहाज पर रहने दे। आरफान पहले पिछले सौदागर का मुलाजिम था और अब दानियाल का। वो जजीरा क्रेट का रहने वाला था और बैरे रूम के तकरीबन तमाम जजायर से बखूबी वाकिफियत थी। इसकी जिंदगी के 48 साल समंदर में ही गुजरे थे। आरफान के अलावा जहाज पर 7 लोग और थे, जिनमें एक आरफान की बीवी मुजीगा, 2 इसके बेटे मालू और मीरान, और बाकी 4 छोटे छोटे काम करने वाले बवक्ते जरूरत चप्पू चलाने वाले भाड़े के मजदूर थे। 12 अफराद पर मुश्तमिल यह काफिला बरका पर सवार होकर बहरे रूम के पानियों पर तैरने लगा। रवानगी से पहले हर किसी ने अपने अपने खुदा की प्रार्थना की थी कि इनका सफर बखैरियत गुजरने कामयाबी हो। कलाडीना और शीतल के चेहरों पर अब भी पहले जैसा जहनी दबाव जरा भी नहीं था। शीतल ने संतोष के बाप महापुजारी से इजाजत इस वक्त ली, इसकी तरफ से दी गई माली इमदाद कबूल कर ली थी।
अगर दानियल के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन अब शीतल भी एक बहुत बड़ी रकम अपने हमरा लाई थी। वहाँ पुजारी ने इसे रवाना करते वक्त हजार हजार दुआएं दी और ये भी कहा था कि वो चंद ताकतवर सिपाहियों को अपने हमरा ले ले। लेकिन शीतल ने इसे जवाब दिया, मैं एक ऐसे सफर पर रवाना हो रही हूँ जहाँ हम सफरों में से किसी की वफादारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे साथ जो लोग हैं वो मेरे दरा शिकस्ता दिल और जानसार हैं। मैं अनदेखे रास्तों में नए चेहरों पर भरोसा करके अपने साथियों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। समूजन की बेटी संदीना ने भी सफर में दानियल के साथ चलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। वो दानियल की आशिक थी, लेकिन दानियल ने इसे मना कर दिया। शीतल और कलाडीना के आने का तो कोई मकसद था, लेकिन संदीना इस सफर में महज दानियल की वजह से शामिल होना चाहती थी। दानियल ने इसे कहा था कि वो जल्द वापिस आएगा, और अगर खुदावंदे यहूदा ने चाहा तो इसकी अमूसा इसके हमरा होगी, और अगर इसकी अमूसा इसके हमरा ना होगी तो अमूसा की तलाश के आइंदा सफरों में वो संदीना को जरूर साथ ले जाएगा। आशिक संदीना इस बात पर भी खुश हो गई। बरका इसमें वह मुसम्मा था, इसकी आम रफ्तार भी थी, आम जहाजों से तेजी थी, इसमें मुतजाद छमरू की कलकारियां थी जो पलक झपकती की देर में अर्शे से मस्तूल की चोटी तक और फिर मस्तूल से जहाज के पुश्ते तक फुदकता फुदकता पहुंच जाता था। बनावट के लिहाज से भी बरका बाकी जहाजों से कदरे मुख्तलिफ था। इसकी बजाहिर एक ही मंजिल थी, लेकिन अगर ये तहखाने की पहली मंजिल शुमार कर लिया जाता तो बरका दो मंजिला जहाज था, यानी तहखाने के ऊपर इसकी पहली मंजिल। तहखाने की वजह से दूसरी मंजिल एक अलग मंजिल शुमार की जा सकती थी। जहाज की पहली मंजिल पर चार छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल था। ये बड़ा हॉल था बरका के बीचों बीच एक गोल कमरा जिसके अन वस्त में कोलू था। जहाज खेने वाला बैल काफी अरसे से जहाज के साथ थे। वो इस कोलू के गिर घूमने के इतने आदि हो गए थे कि किसी बड़ी लहर के कोलू के दौरान भी वो अपना तवाजुन बरकरार रख सकते थे। शदीद तूफान की सूरत में बैलों को बिठा दिया जाता, कोलू रोक दिया जाता, लंगर गिरा दिए जाते और बादबान बांध दिए जाते। बरका का अरशा खासा वसी मरीज और साफ सुथरा था। तीन मस्तूलों पर लगे छह बड़े बादबान मोटी तरपाल के कपड़े से बनाए गए थे। शंभू सारा दिन इन तरपालों पर फिसलता रहता, लेकिन तरपाल के कपड़े को जरा सी भी आंच न आती। आम जहाजों में एक मस्तूल के साथ एक बादबान होता था, और इतने छोटे जहाज पर तो मस्तूल एक ही होता, लेकिन बरका पर तीन मस्तूल और छह बादबान थे क्योंकि इसे तेज रफ्तारी की नुक्ते नजर से बनाया गया था। समंदर में अगर कदरे हवा तेज चल रही होती तो कोलू के बैलों को एक तरफ बिठाकर इनकी खुली में चारा डाल दिया जाता और बरका एक बागवानी कश्ती की तरह सिर्फ हवा के जोर पर दौड़ता। इसी बड़े गोल कमरे में जहाज को दाएं मोड़ने और इसे घुमाने या इसका रुख सीधा करने के लिए बड़े बड़े हैंडल वाले आलात नस्ब किए गए थे। ये सब काम आरफान खुद करता था। बैलों को चारा डालने से लेकर जहाजों को सीधा रखने का तमाम काम आरफान खुद अंजाम देता। वो एक तरह से जहाज के कप्तान था, लेकिन ओहदे के लिहाज से जहाज का कप्तान बहरहाल दानियल खुद ही था। बरका तीन दिन में ही बहरे रूम में बहुत अंदर तक चला गया। इन्हें अपने सफर में बहुत एहतियात करनी थी। एक तो उन्हें कजाकों का खतरा, तो ऊपर से बहरी रूमी बहरे के सरगर्म होने की इत्तला थी। वो ज्यादातर रातों को सफर करते, दिन में जहाज की रफ्तार बहुत मध्यम कर देते, लेकिन रात की तारीखी में जहाज को बुकटर दौड़ाते। आरफान आसमान के सितारों को देखकर रास्तों का तयन करता, और जिस तरह इसकी वाकफियत बहरे रूम से थी, इसी तरह वो आसमान से भी शनासा था, जहाँ सितारे ही सितारे थे जो बहरे रूम के एक एक जजीरे को जाने वाले रास्ते का तयन यूं करते गोया समंदर पर बनी सड़कों का अक्स आसमान में नजर आ रहा हो। ऊपर देखकर नीचे चलने वालों में आरफान अपनी मिसाल आप था। इसका तो खानदान भी इसी जहाज पर आबाद था, यही वजह थी कि वो खुद को समंदर का बेटा कहता था, इब्नुल बहर। तीसरे रोज इन्हें पहला जजीरा दिखाई दिया। आरफान ने बगैर पूछे ही सबको बताया, ये मुगास का जजीरा है, छोटा चट्टानी जजीरा। इस जजीरे का सब्जा जजीरे के जानवर चट कर गए और फिर खुद ही मर गए। ये एक तरह से मुर्दा है, यहाँ कोई नहीं रहता। हो सकता है कि कजाकों के किसी ग्रोह ने इसमें अपनी पनागा बना रखी हो। इस तरह इसके बहुत से जजीरे हैं समंदर में जो बेआबाद पड़े हैं, ज्यादातर लुटेरों ने आबाद कर रखे हैं। शीतल और कलाडीना ने गहरी दिलचस्पी से आरफान की बात सुनी। वो जजीरे को दूर से मुतजस्सिस निगाहों के साथ देखती रही। तीनों दिनों में वो आरफान की बीवी की भी दोस्त बन चुकी थी, और अब तो अहले काफला का खाना वो तीनों औरतें मिलकर ही बनाती। किदार का जिम्मा इस बार बड़ा दिलचस्प काम लगा था। वो दिन भर जहाज के पुश्ते में खुले फर्श पर बैठा मछलियां पकड़ता रहता। अहले काफला किदार की पकड़ी हुई मछलियां खाते और इसे दाद देते। किदार के पास एक छोटा सा जाल था जिसके किनारों पर लोहे के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे। वो अपने ताकतवर बाजू फैलाकर जोर से जाल फेंकता तो लोहे के बट्टे पानी में डूबने लगते, और इस तरह जाल पानी में एक छतरी की शक्ल इख्तियार कर लेता। इस छतरी के नीचे जो भी मछली आती वो बरका के बासु का लुकमा बनती। शीतल कभी कभी सोचती थी कि समंदर की जिंदगी भी बड़ी पुरलुत्फ है, लेकिन जब कभी चारों तरफ निगाहें फैलाती और इसे पानी का आसमान अपने पैरों तले बिछा नजर आता तो वो घबरा जाती और सोचती कि समंदर की जिंदगी कितनी मुश्किल है। लेकिन इन सब सोचों से ज्यादा इसकी जेन पर संतोष की सोच सवार थी। चश्मे तसव्वुर में संतोष को बिकता हुआ देखते फिर फौरन आंखें मूंद लेती, इसकी सिस्कारी निकल जाती। वो जल्द से जल्द संतोष को कैसे छुड़ाना चाहती थी।
लेकिन किसकी कैद से, ये बात तो वो खुद भी ना जानती थी। दानियाल और शीतल एक लिहाज से एक जैसे थे, दोनों को मालूम नहीं था कि अपने महबूब कहाँ डूबे। अलबत्त कलाडीना ऐसी बातें नहीं सोचती थी, वो तो दानियाल के चेहरे को तकती और लगता जैसे ही आदमी कोई मेहरबान देखता है। इसका तो जी चाहता था कि दानियाल को चाहे, लेकिन जानती थी कि वो किसी और को चाहता है। इसे अपनी नजरों में भी दानियाल के लिए कोई तमन्ना न लाना चाहती थी। इसका घर बार तो अब दुनिया में था ही नहीं, और सच्ची बात तो ये थी कि वो बाकी जिंदगी दानियाल के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन फिर भी इसने सोच रखा था कि दानियाल की जिंदगी से निकल जाने का फैसला किया। वो सिर्फ शहर रूम तक इनकी हमसफर थी और ये बात सबको मालूम थी। शीतल कभी कभी इसे कहती, कलाडीना तुम कहाँ जाओगी और कहाँ से खाओगी, जरूर तुम किसी रूमी अमीर से शादी करोगी, है ना। कलाडीना इसकी बात सुनती इसी मसलू उसे से एक बार देखती फिर फौरन संजीदा हो जाती। मैं अब किसी से शादी नहीं करूंगी, अभी मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैं क्या करूंगी, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि मैं शादी नहीं करूंगी। आरफान की बीवी मुजीना मुदाखलत करती, क्यों शादी नहीं करोगी, शादी तो औरत की शान है, मर जो किसी के सामने सर नहीं झुकाता बीवी के आगे झुकता है, ये अजल से होता आया है, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। शीतल और कलाडीना एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती। अब वो मुजीना को क्या कहती, आरफान की बीवी को उनकी कहानी मालूम नहीं थी। किदार का वक्त भी अच्छा गुजर जाता था। आरफान के दोनों बेटे जिनमें बड़ा 15 साल का था और छोटा 9 साल का, सारा दिन इसके साथ मिलकर मछलियां पकड़ते। इस जहाज पर अगर किसी की हालत अच्छी नहीं थी तो वो दानियाल ही था। दरअसल गुज़श्ता 3 दिन से इसकी आंखों में बुर्जे आजम की जीनों पर चलने वाली कर्ताजनों की कुंवारी के हुस्न का मंजर ठहर सा गया था। पहले दिन तो इसे सर को झटक दिया था, लेकिन बाद में से रह रहकर ये ख्याल आता रहा कि आखिर वो लड़की भी तो उसे देखकर इतनी ठटकी थी जितना कि वो खुद, कहीं वो इसकी या मूसा तो नहीं थी। इस बात को सोचकर वो बुरी तरह सरपटा गया था। अब ना तो वो वापस जा सकता था क्योंकि इसके सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसे कलाडीना को रूम पहुंचाना था और शीतल के लिए संतोष को ढूंढना था। ये दोनों वादे वो कर बैठा था, वरना इसका जी तो चाहता था कि वो उड़कर वापस चला जाए। एक बार उसके दिल में आई कि वो बरका का रुख वापस कर्ताजना की तरफ मोड़ दे, लेकिन इसने सोचा ये अच्छा शगुन नहीं होगा, शुरू किया गया सफर यूं बीच में तोड़ना अच्छा नहीं होगा। यही वजह थी कि वो बेहद हसीन, वो बेहद बेचैन था। वो जानता था कि जीने पर मिलने वाली लड़की कर्ताजना की कुंवारी थी और यही बात इसके लिए हैरत का बाइस थी। वो गोमगू का शिकार हो गया था। इसे मालूम था कि कर्ताजना की कुंवारी वज़ीर आज़म अलफलका की बेटी थी और अब वो अलफलका का चेहरा बुशरा तो याद करने की कोशिश करता था। काश इसने कभी कार्थेज के वज़ीर आज़म को गौर से देखा होता। एक आध बार किसी मेले ठेले या त्यौहार में इसने अगर दूसरे अलफलका को देखा था तो ज्यादा दिलचस्पी ना ली, वो शिशुपन से निकल ही नहीं पा रहा था। कभी कभी तो लगता था कि नहीं इसका वहम है, इसे और खूबसूरत लड़की या मूसा नजर आती है, और कभी कभी इसे यूं लगता कि जैसे वो लड़की या मूसा ही थी। बहरहाल सफर शुरू होने से पहले इसके साथ जो वाक्य पेश आया वो दानियाल के सफर का तजस्सुस बेमजा कर दिया, और इसे अब आगे बढ़ने की भी जल्दी थी और वो वापिस पलटने की भी। वो दिन भर जहाज के अर्शे पर खड़ा नीले समुन्द्र को घूरता रहता और सोचता कि समुन्द्र इतना नीला क्यों है, फिर खुद ही जेरेला बड़बड़ाता। समुन्द्र अपने महबूब का अक्स अपनी आंखों में लिए दिन भर मचलता रहता है। इसका महबूब कौन था, आसमान, क्योंकि इसकी आंखों में तो आसमान का अक्स था, वो तो नीला इसीलिए था। हाँ, शायद आसमान और जमीन भी एक दूसरे से प्यार करते थे। दानियाल ऐसा आशिक सबके दिल था कि शायद चीज में प्यार करने वाले जोड़े दिखाई देते। अगले रोज इनके जहाज से एक कश्ती नजर आई। आरफान रशे पर आ गया। इसने दूर से आती कश्ती को मुतजस्सिस निगाहों से देखना शुरू किया और फिर दानियाल से बात करने लगा। ये मछेरों की कश्ती तो नहीं हो सकती, ये आसपास कोई जजीरा नहीं, ये यकीनन किसी बड़े जहाज की नाव है। अब देखना यह है कि नाव किस जहाज की है, कजाकों के, ताजरों के या सिपाहियों के। दानियाल इसकी बात सुनकर इस्तेफामिया अंदाज में सर हिलाया। हाँ तुम ठीक कहते हो, देखो हमें किसी से कोई मतलब नहीं, बस मोहतात रहना हमारी जिम्मेदारी है। कश्ती करीब आती जा रही थी। शीतल और कलाडीना भी अर्शे पर आ गई। अब सबकी निगाहें कश्ती पर टिकी हुई थी। इनमें गालिबन 2 आदमी सवार थे, चप्पू चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। किदार मछली पकड़ने का काम छोड़कर अर्शे पर आ गया। दानियाल ने सबको मुस्तैद रहने को कहा। लिबास से तो दोनों कश्तीदान कजाकने लगते थे, लेकिन अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। धीरे धीरे कश्ती और नजदीक आ गई और फिर दानियाल ने देखा कि दोनों जो शुरू से जहाज को तकते हुए आगे बढ़ रहे थे अचानक वापस पलटने लगे। उन्होंने कश्ती घुमाई और वापसी के लिए चप्पू चलाने लगे। दानियाल ने वापस होता देखा तो चौंक और आरफान से कहने लगा, मुझे तो लगता है ये कजाकों की किसी जहाज की ही कश्ती है, देखो वो लोग वापस पलट गए हैं, शायद अपने सरदारों को इत्तला देने के लिए। लेकिन आरफान ने नफी में सर हिला दिया। इसने बड़े उसूख से कहा, 3 वजूहात की बिना पर मैं ऐसा नहीं समझता जैसा आप समझ रहे हैं। नंबर 1, ये कि कश्ती मोड़कर वो इत्मीनान से वापस जा रहे हैं, इनकी हरकत में उजलत नहीं, मेरे ख्याल में किसी जहाज की हिफाजती कश्ती है जो ये देखने के लायक कि कहीं ये जहाज कजाकों का तो नहीं।
नंबर दो ये कि मेरी छठी इसने मेरे दिल में खतरे की कोई घंटी नहीं बजाई, और नंबर तीन ये कि हमारा छल्लू अभी तक खामोश है। अगर इस कश्ती में कजाक होते तो चीख सीकर आसमान सहकर उठा लेता। जिस लम्हे चंबू के बारे में बात कर रहा था, चंबू मस्तूर के सिर पर बैठा वापसी रोकते हुए कश्ती को घूर रहा था। सबकी निगाहें प्यार से चंबू की तरफ उठ गईं। क्लाडीना ने कहा, ये जानवर भी कितने काम की चीज है, बैल हमारा जहाज चला रहे हैं और ये बंदर हमारा पहरा दे रहा है। आरफान ने सर घुमाकर क्लाडीना की तरफ देखकर अपने मखसूस संजीदा लहजे में कहा, हाँ और इसके बदले हम इंसान इन्हें क्या देते हैं, सिर्फ खाने पीने का सामान। खाने पीने की चीजें तो वो जंगल में भी हासिल कर लेते हैं। दानियाल ने इसकी बात में मुदाखलत की, लेकिन जंगल में खुद को महफूज तसव्वुर नहीं कर सकते, जबकि वो हमारे साथ हर किस्म के खतरे से बेखौफ होकर रहते हैं। हमने इन्हें सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं दी, हमने इन्हें तहफ्फुज़ और अमन जैसी अनमोल चीज दी है जो महंगे से महंगे दामों भी खरीदी नहीं जा सकती। क्लाडीना को दानियाल की बात बहुत अच्छी लगी। इसने दाद देने वाली नजरों से दानियाल की तरफ देखा और इसके साथ अपने जुमले का इजाफा किया, लेकिन अफसोस कि हम इंसान अपने आप को अमन नहीं दे सके। हम रोजे अव्वल से आपस में लड़ते रहे हैं। काश जिस तरह हमने जानवरों को तहफ्फुज़ दिया, इसी तरह का तहफ्फुज़ खुद भी हासिल किया होता। सबने क्लाडीना की बात की ताइद में सर हिलाया। शीतल अभी तक समंदर में देख रही थी, फिर इसने मौजू बदल दिया। नाव तो बहुत दूर जा चुकी है, वो छोटी दिखाई दे रही है, कितना तजस्सुस है समुंदर में। सब नाव को देखने लगे, वो वाकई बहुत मुख्तसर दिखाई दे रही थी। फिर कुछ देर बाद निगाहों से ओझल हो गई। वो सीधे रास्ते से रूम की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, बल्कि वो मगरिब की तरफ से काफी आगे बढ़कर एक कोस की शक्ल में घूमते हुए वापस आना चाहते थे। कार्थेजना से रोमा की तरफ जाने का आसान रास्ता तो सिसली था, जो इतना मुख्तसर समुद्री रास्ता था कि ज्यादा से ज्यादा दो दिनों में ही पाटा जा सकता था, लेकिन इस रास्ते से सिसली जाने के लिए मुमकिन नहीं था। सल्तनत रोमा की बहरी चौकियां जगह जगह कायम थी और रोमी फौजियों से बचकर निकलना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने लंबा रास्ता इख्तियार किया। अभी ने मगरिब में कुछ और भी आगे बढ़ना था, शायद एक दिन की मजीद मुसाफत तय करके अपने जहाज का रुख शुमाल की तरफ करते। इन्हें गोया एक नीम व्याजबी कोस पर सफर करना था। मगरिब में आके जाकर वो धीरे धीरे वापस मशरिक की तरफ पलटते और साथ के साथ शुमाल की तरफ भी। ये आरफान की हिकमत अमली थी, जो सितारों के रास्ते पर चलने में माहिर था। शाम से पहले आरफान ने दानियाल को बताया कि अनकरीब वो एक जजीरे के पास पहुंचने वाले हैं। ये जजीरा भी कजाकों ने आबाद किया है, लेकिन अब यहाँ कजाकों का एक ग्रोह नहीं बल्कि कई अलग ग्रोह आबाद है। पूरे मगरबी बहरे रूम को लूटने वाले जहाज इस जजीरे पर पलटते हैं। ये एक बड़ा जजीरा है, इसके मुख्तलिफ साहिलों पर मुख्तलिफ गिरोहों का कब्जा है, और खुश्की पर हर गिरोह के कजाकों ने अपने लिए अलग अलग इलाके मुकर्रर किए हुए हैं, जहाँ इनके कई कई झोंपड़े और मकानात हैं। आम कजाकों की बीवी बच्चे इन झोंपड़ों में रहते हैं। जजीरे के बीचों बीच एक बड़ा बाजार है जिसकी कई शाखें हैं, हर शाख पर एक गिरोह का कब्जा है। इन बाजारों में लूटा हुआ माल फरोख्त होता है। हम इस जजीरे पर जान बूझ कर रुकेंगे, क्योंकि अगर हम न रुके तो हमें शक की निगाह से देखा जाएगा। कजाक अपने जजीरे पर किसी को नहीं लौटते, ना ही वो जजीरे के आसपास किसी मुसाफिर के जहाज को लूटते हैं। यह अमन कायम रखना इनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर इस मुकाम पर भी लूटमार जारी रहे तो वो खुद अमन से नहीं रह सकते। इस जजीरे का नाम मार्फियस है। दानियाल मार्फियस जजीरे के बारे में पहले भी सुन चुका था, चुनाचे से कुछ ज्यादा हैरत न होगी। ये अजीब आबादी पर मुश्तमिल जजीरा था। पूरे मगरबी बहरे रूम के कजाक इस जजीरे पर इत्तेफाक से रहते थे, कभी किसी बदअमनी का अंदेशा तक न हुआ था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हर कोई शेर के मुकाबले में सवा शेर था। इस जजीरे पर चार बड़े ग्रोह थे, जिनके माथे छोटे छोटे कई ग्रोह काम करते थे। इन चार बड़े ग्रोहों की ताकत तकरीबन बराबर थी। जजीरे के बाजार में खरीदार कौन होते थे, दानियाल को जानकर हैरत हुई के बड़ी बड़ी हुकूमतों की उम्र मार्फिल जजीरे पर आते, कई कई दिन क्याम करते, नौकरी की चीजें खरीदते और फिर चुपचाप वापस पलट जाते। अगर यहाँ आने वाले और यहाँ से जाने वाले जहाजों को कोई लुटेरा रोकता तो वो इसकी किस्मत फूट जाती, इसे सख्त से सख्त सजा दी जाती। मार्फिल जजीरे के कवानीन सिर्फ कजाकों के सीनों में लिखे हुए थे। चारों गिरोहों के सरदारों में सबसे बुरा जीदान था। इसकी छोटी छोटी आंखें किसी दूरबीन की तरह दूर तक देख लेती थी, समंदर में भी दूर तक और किसी के दिमाग में भी दूर तक। सब बातें सुनकर दानियाल ने आरफान से पूछा, यहाँ रुकने का हमारे पास बहाना क्या होगा, क्या हम बिना मकसद मगरबी बहरे रूम तक बढ़ाए हैं। आप इसकी फिक्र न करें, मैं यहाँ पहले भी आता रहता हूँ, यह मेरे वाकिफकार भी हैं। हम यही बताएंगे कि हम दो इंसानों की तलाश में यहाँ आए हैं, एक औरत और एक लड़का, यही हमारा हकीकी मकसद है और यही हमारा बहाना। दानियाल मुतमईन हो गया, बल्कि दिली दिल में खुश हो गया। फिर वाकई इस जजीरे पर संतोष को तलाश किया जा सकता था। आखिर संतोष को भी एक कजाक ने ही कैदी बनाया था। मान किसी ख्याल के तहत दानियाल ने आरफान से दरियाफ्त किया, क्या हमारी औरतों को यहाँ कोई खतरा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया है ना कि कजाक अपने इलाके में अमन और शांति से रहते हैं। दानियाल बज़ाहिर आरफान की बातों से मुतमईन ही लगता था। वो दोनों अरशे से उतर आए। कुछ देर बाद अपने कमरे में बैठा अपने साथियों को कजाकों की जजीरे की बाबत बता रहा था।
शीतल और करालीना हैरत भरी आंखों से इसकी बातें सुनती रही लेकिन खामोश रही। इनके बरक्स की दार खामोश न रहा। इसने दानियाल को मुखातिब किया, दानियाल आपको इतनी जल्दी आरफान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ कि हमें एक अजनबी और खौफनाक जजीरे पर ले जा रहा है और हम अगर चुपचाप इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। शीतल और क्लाडीना की आंखें की दार की बात सुनकर दानियाल से यही सवाल पूछने लगी। दानियाल पहले जहरीला मुस्कुराया, फिर इसने होले से जवाब दिया, असल बात यह कि मारफिस जजीरे के बारे में मैं पहले भी बहुत कुछ जानता हूँ, आरफा मुझे धोखा नहीं दे सकता। दूसरी बात यह कि इस जजीरे पर संतोष को मिलने की तवक्को है, यहाँ कजाक रहते हैं, मुमकिन है संतोष यहाँ लाया गया हो। फर्ज करो वो हमें नहीं मिलता तो मुमकिन इसका कोई सुराग मिल जाए। ये नादानी होगी कि हम मारफिस के करीब से तो गुजरे लेकिन कजाकों के खौफ से अपने असल मकसद को फरामोश करते हैं। शीतल और क्लाडीना ने इस्तफामी अंदाज में सर हिलाया, वो दानियाल की बात समझ गई थी। अगले रोज इन्हें सुबह सवेरे ही दूर एक जजीरा दिखाई दिया। शीतल, क्लाडीना और दानियाल अर्शे पर ही मौजूद थे। सबको मालूम था कि वे लुटेरों के जजीरों पर जा रहे हैं। ये जरूरी था, आरफान ने बताया कि अगर वो लुटेरों के जजीरों पर ना गए तो लुटेरे इनसे पूछ पूछ के लिए रोक लेंगे, इसके बरक्स अगर वो चले गए तो कोई तारुज ना करेंगे। मारफिस जजीरे पर लोग आते जाते रहते थे, यहाँ किसी अजनबी जहाज का आना कोई नई बात नहीं थी। इस पूरे माहौल में खुद कजाकों ने लूटमार पर सख्ती से पाबंदी आयद कर रखी थी। इनका जहाज धीरे धीरे जजीरे की तरफ बढ़ रहा था। अब इन्हें चंदे कश्तियां भी इधर उधर तैरती दिखाई दे रही थी। मारफिस का जजीरा फिर वाकई एक बड़ा जजीरा था। लगभग एक घंटे की मुसाफत के बाद मारफिस के साहिल पर आ लगे। नारियल के दरख्तों से ढका जजीरे का साहिल कुदरती शादाबियों से मालामाल था। वो किसी गोदी पर न रुके थे, न ही किसी बंदरगाह पर। एक छोटा सा साहिल था, रेतला साहिल, जिस पर जहाज को आगे तक खींच लिया जाता और वो घिसट कर रेत पर चढ़ जाता। बरका को मुख्तरिस से इस साहिल पर खींच लिया गया। मजदूर मसरूफ हो गए, छंकू छलांगे मारता आन वाहिद में मुस्कुल से अर्शे और अर्शे से कुदकता फलांगता जहाज के आखिरी किनारे पर और फिर किसी बाजीगर की तरह रेतले साहिल पर उतरता चला गया। और अब वो नाय तेजी से नारियल के दरख्तों की तरफ बढ़ रहा था। आज वो कई रोज बाद अपनी किसी पसंदीदा जगह पर आया था। वो खुशी से फूले न समा रहा था। दानियाल उसके साथियों ने छंभों के करतूत देखे तो हंसने लगे। अब वो दो नारियल के एक ऊंचे दरख्त पर बैठा इनका मुंह चढ़ा रहा था। आरफान जहाज के रस्से डालने में मसरूफ हो गया। वो लोग भाड़े के मजदूरों को जहाज पर छोड़कर साहिल की तरफ बढ़े और खुश्क रेतले रास्ते पर बैठकर आरफान का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद जब वो अपने अमले की मदद से जहाज को बांध चुका तो इनके नजदीक पहुंचाया। ऊपर बैठे छंभू ने अपने साथियों को जजीरे में आगे बढ़ते देखा तो कलकारियां मारता, चीखता चिल्लाता एक शाख से दूसरी शाख तक झूलता। वो भी इनके साथ साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वे घने जंगल में दाखिल हो रहे थे। अभी तक इनका सामना जजीरे के किसी बाशिंदे के साथ नहीं हुआ था। जंगल में पहुंचकर छंभू अचानक छुप गया। इसकी चीखों का अंदाज बदल गया। अब वो चीखने के बजाय सिर्फ पक पक करता इधर उधर फुदक रहा था। आरफान ने कहा, छंभू ने कुछ देख लिया है, आप लोग फिक्रमंद मत होइए, मैं सब मामला देख लूंगा। नरमी से बात करने का दस्तूर ही नहीं, आपसे जो कोई भी गुफ्तगू करे आप लोग इसकी आंखों में आंखें डालकर नहायत उखड़े हुए लहजे में बात करें। मारफिस पर तवाज़ुन कायम रखने का यही एक तरीका राइज है। अभी वो आरफान की बात पर इस बात में सर ही ला रहे थे कि यकजक छंभू की फर्क शिकाफ चीखे बुलंद हुई। वो इतने जोर से चिल्ला रहा था कि सबके दिल दहल गए। सबने एक साथ ऊपर देखा और फौरन समझ गया कि क्या माजरा है। बरका जहाज का पालतू बंदर जंगली बंदरों के नरजे में फंस चुका था। छंभू तो पुरानी दुनिया का हल्का फुल्का बंदर था लेकिन अब जिन गुंडों के बीचों बीच वो फंस चुका था वो सब बड़े साइज के गबन थे। छंभू के 14 तबक रोशन हो गए, इसे अपनी मौत साफ नजर आने लगी। इतने बड़े बड़े बंदर जो नाहत क्रिया आवाजों के साथ छंभू पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे इसे बुरी तरह मारने वाले थे। शीतल और क्लाडीना के ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। दानियाल ने देखा कि आरफान जैसा शख्स भी परेशान हो गया। नारियल के पेड़ बहुत ऊंचे थे और वो छंभू की कोई मदद न कर सकते थे, सिर्फ देख सकते थे कि इसके साथ क्या हो रहा है। किदार जो हर किस्म के असला से लेस होकर इनके हमरा चल रहा था चुपका खड़ा न रह सका। इसने झट से अपनी कुमान उतारी और इसमें तील डालकर चिल्ला फेंक दिया। इसने सबसे बड़े गबन पर निशाना बांधा लेकिन इससे पहले कि वो तीर छोड़ता आरफान ने चीख कर इसे मना कर दिया, खबरदार तीर मत चलाना, अगर हमने यहाँ का एक बंदर मार दिया तो हमें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, तुम जानते हो ये कजाकों का जजीरा है। किदार रुके, इसलिए शीतल ने घबराए हुए लहजे में कहा, तो फिर हम क्या करें कि छंभू को मरने दें। शीतल की बात खत्म तो क्लाडीना बोली, मुझे लगता है इस जजीरे के बंदर भी कजाक है। क्लाडीना की बात कर सब थोड़े से मुस्कुराए लेकिन हकीकत में सब परेशान थे। अचानक नारियल पर बेपना शोर बुलंद हुआ, सबके सब बंदर एक साथ चिल्लाने लगे। वो जिन टहनियों पर बैठे थे पर जोर जोर से उछलते और अपने हाथ पूरी कुवत से टहनियों पर मारते। इनकी आवाजों से जंगल गूंज उठा, वो गालिबन छंभू को पकड़कर मार देना चाहते थे और फिर वही वो जिसका डर था। बड़े बंदरों की जमात चारों तरफ से छंभू पर झपट पड़ी। वो हाथों और पैरों के नाखून और दांतों से छंभू को भंगोड़ने लगे लेकिन फिर एक करिश्मा हुआ, किसी तरह छंभू इनके हाथ से छूटा और सीधा जमीन पर आ रहा।
धप, इतनी बुलंदी से गिरकर एक बार उसके सारे तबक रोशन हो गए। इसकी आंखों के सामने सितारे नाचने लगे और वो जैसा था जहाँ था कि बुनियाद पर चंद सानिये बेहोश पड़ा रहा। फिर इसने धीरे धीरे दाई आंख खोली और दर्दीदा नजर अपने साथियों की तरफ देखा। इसी असना में इसके साथ इसके पास आ चुके थे। अरफान इसकी दूसरी आंख खोलने से पहले ही किसी बच्चे की तरह से बाजू में उठा लिया। उसके साथ शंभू को दिलासा भी दे रहा था। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुम बच गए। मैंने तुम्हें 100 बार मना किया कि अजनबी जगह पर बेहतियाती मत बरता करो। लगता है कि तुम्हें शमशीरदनी की तरबियत देनी पड़ेगी। बेवकूफ, ये कजाकों का जजीरा है, यहाँ के बंदर भी लुटेरे हैं। अब तुम दरख्तों पर नहीं चलोगे, हमारे साथ चलोगे, ठीक है? इसने शंभू को प्यार से पिचकारों गोद में उठा लिया। कुछ देर तक शंभू किसी डरे और सहमे हुए बच्चे की तरह इसके बगल में सर छुपाए रहा। इसका जिस्म कहीं कहीं से जख्मी भी था। थोड़ी देर इसी हालत में रहने के बाद शंभू की कैफियत बेहतर होने लगी। अब वो बगल के बजाय आरफान के कंधे पर सवार था। दानियाल और इसकी साथी एहतियात के साथ जंगल उबूर करके जजीरे के नीम मैदानी नीम चट्टानी इलाके में पहुंचे तो इन्हें कजाकों की झोपड़े और मकान नजर आए। बहुत से लोग चलते फिरते दिखाई दिए। आरफान सच कहता था, हर शख्स की चाल में एक अजीब अक्खड़पन था। चंद एक औरतें भी अपने मकान और झोंपड़ों के बाहर चमकीली धूप में कामकाज कर रही थी। पान शीतल ने आरफान को मुखातिब करके सवाल किया, कज़ाकों की औरतें कहाँ से आई हैं? ये कौन औरतें हैं जो इनके बच्चों की माएं बनकर इस जजीरे पर आबाद हैं? आरफान ने शीतल की तरफ चेहरा घुमाए बगैर इसकी बात का जवाब दिया, मारफेस बहुत पुराना मस्कन है कज़ाकों का, शायद इनकी तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही होगी और इस लिहाज से इनकी औरतें भी इनकी अपनी औलाद होंगी। हाल बता शुरू के लुटेरों ने शायद कुछ लूटी हुई औरतों को जजीरे की गृहस्थी की सुपुर्द की होंगी। आखिर ये लुटेरे हैं, इनके पास लूट की माल की कोई कमी नहीं होती। अब वो रहायशी इलाके के करीब से गुजर रहे थे। कजाकों के बच्चे जो चमकीली धूप में खेल रहे थे दौड़ दौड़ कर इनके पास आने लगे। कामकाज में मसरूफ औरतें भी सर उठाकर इन्हें देख रही थी। पेड़ों की बहुतात थी। दानियाल इसके साथ ही खुली सड़क पर आ गए। ये सड़क मार्फत जजीरे के बाजारों की तरफ जाती थी। जो ही सड़क पर नमूदार हुए इनकी निगाह सामने से आते हुए चंद कजाकों पर पड़ी। तीन ज़ईफ़ुल उम्र कज़ाक और इनके हमरा 2-3 नौ उम्र लड़के गालिबन रहायशी इलाके की तरफ जाने के लिए इसी सड़क पर चलते आ रहे थे। उधूरी से दानियाल उसके साथी को अजीब अजीब नजरों से देखने लगे। क्लाडीन और शीतल तो खासी मुहतात हो गई और आरफान का दिया हुआ सबक याद करने लगे। हर इस जजीरे पर हर शख्स के साथ अखड़ लहजे में बात करनी है। पैदल चलते हुए कज़ाक अब इनके नजदीक आ चुके थे, लेकिन दानियाल उसके साथी रुके बगैर चलते रहे और जो ही दोनों तरफ के पैदल चलने वाले आमने सामने हुए, घूरती नजरों से देखने वाले बूढ़े कजाकों में से एक ने कड़कदार लेदी में अजनबियों को मुखातिब किया, रुक जाओ, कौन हो तुम लोग, हमारी बस्ती में क्यों आए हो? आरफान को इस किस्म के सवाल की तवक्को थी, इसने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया, हम आपकी बस्ती में नहीं गए थे बल्कि साहिल से आ रहे हैं। आपकी बस्ती हमारे रास्ते में पड़ती थी, इसलिए वहां से गुजरे। बूढ़े कजाक ने भवे उछकाते हुए लड़कों की तरफ देखा, फिर दानियार और किदार को घूरा और थोड़े से तवक्को के बाद कहा, साहिल से आ रहे हैं क्या? तुम अजनबी हो? अभी भी जजीरे पर आए हो? कौन से मुल्क से आए हो? इसका लहजा अभी भी साफ़ था। आरफान ने जरूरत महसूस किया वो भी इस कजे को सख्ती से निपटाए। इसने अपने शाने पर बैठे चंबू को नीचे उतारा और बूढ़े कज़ाक की आंखों में आंखें डालते हुए इसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया, आप भी पूछ रहे मोहतरम बुजुर्ग, क्या आप जिदान है या मंगोरा? इसने चार बड़े गिरोह में से दूसरदारों के नाम लिए। बूढ़ा कज़ाक ठटक गया। आरफान के दुरुस्त लहजे से इसे अंदाजा हो गया कि यह मेहमान कोई तरने वाला नहीं। बदस्तूरी ने घूरता रहा लेकिन मुंह से कुछ ना बोला। इनके हमरा मौजूदा नौमर लड़के तजस्सुस भरी निगाहों से क्लाडीना और शीतल के बदन को देख रहे थे। मान क्लाडीना ने नौमर लड़कों को सख्त निगाहों से घूरते मुखातिब किया, ए लोंडो क्या देखते हो, क्या कभी कोई औरत देखी है? क्या औरत तुम्हारे घर में नहीं है? लड़के सटपटा गए। मार्फिस की रास्ते चलते बाशिंदे ने मेहमानों को समझ चुके थे। इन्हें अंदाजा हो गया कि आने वाले अजनबी खुद नहलों पर दहले हैं। चुपचाप अपनी राह चल दिए। इनके जाने के बाद एक काफिला भी चल पड़ा। दानियाल इस गुफ्तगू के दौरान खामोश रहा था, लेकिन अब इसने मुस्कुराते हुए कहा, आरफान तुम सच कहते हो, इस जजीरे पर कोई भी आ सकता है बशर्ते कि इसकी आंख में कड़वाहट हो। रास्ते में इन्हें और भी लोग मिले जो हसब रवायत इन्हें घूरते हुए गुजरे, लेकिन पीछे मिलने वाले बुड्ढों की तरह किसी ने इनसे कोई पूछ ना की। दरअसल अब वो खुद भी घूरने वालों को घूर रहे थे, जैसे तो तैसा वाला कुलिया काम आ रहा था। बिलाखिर वो मार्फिस के पहले बाजार में पहुंच गए। दानियाल शीतल कलाडीन और किदार दंग रह गए। ये बहुत अजीब बाजार था, यह सब कुछ जायज था पर एक लिहाज से सब कुछ ना जायज। दुकानदार शक्ल से गुंडे लगते थे और खरीदार बदमाश। बाजार में ज्यादा भीड़ तो ना थी, लेकिन कम चहल पहल भी ना थी। बाजार क्या था, मेले ठेलों की तर्ज पर सजाई गई दुकानें जिनमें ज्यादातर बांस और लकड़ी के तख्तों से बनाई गई थी और हर तरह के माल से अटी पड़ी थी। हराफा औरतों की भी कोई कमी नहीं थी जो तितलियों की तरह बाजार में इधर उधर उठती फिर रही थी। वो हाथ में खजूर की शराब की सुराइयां लिए जाम बेचती फिर रही थी। जो कोई गाहक इनसे जाम खरीदता इनके साथ अटकेलिया भी करने से बाज ना रहता।
कैटरीना को यह सब कुछ अजीब लगा। इस तरह शराब बेचने वालियां इसने पहले कभी ना देखी थी। एक हराफा ने दानियाल को देखा तो किसी तीर की तरह इसकी तरफ लपकी। खजूर की उमदा शराब दोहरी कुशीदशुदा एक जाम पीकर देखे इसके लुत्फ से आपको सुरूर कभी ना भूलेंगे। दानियाल भी अजब इंसान था, औरत के मामले तो बहुत ही अजब। आशिक था ना इसलिए। सुराही वाली हसीना की बात सुनकर बड़े खुलूस से मुस्कुरा दिया। जरूर जरूर मुझे खुशी होगी कि मैं एक हसीन औरत के हाथ से जाम पीऊंगा। हराफा ने सुराही फौरन जाम में झुकाई पैमाना भरने लगी। क्यों खड़े खड़े सरे बाजार शराब पीने का तजर्बा दानियाल पहली बार कर रहा था। दानियाल को शराब पीता देखकर किदार का मन भी ललचाने लगा, लेकिन आरफान बुरा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा। हराफा ने किदार के लिए दूसरा जाम उड़ेला। इसकी पीठ पर लटकती हुई रेशमी जंजीर में जामों की कमी नहीं थी। मान छम्मू ने आरफान के शाने से छलांग लगाई और किदार के सर पर जा बैठा। किदार से मुंह से लगा जाम छलका और थोड़ी सी शराब जमीन पर आ गिरी। किदार की गर्दन और सर पर एक बंदर के पंजे पड़े तो इसे बहुत अजीब लगा। वो अपने सर से छम्मू को हटाने की कोशिश करने लगा। हराफा हंस रही थी। बाजार में पहुंचते वो आम राहगीरों में शामिल हो गए। अब इन्हें कोई भी पहले जैसी नजरों से ना देख रहा था। दानियाल ने आमद बसरे मतलब के तहत हराफा से सवाल किया, हम एक लड़के को ढूंढ रहे हैं, इसकी उम्र बमुश्किल 15 साल, गोरा चिट्टा कताजी है, महापुजारी का बेटा है, इसलिए शहजादगी में पला बढ़ा। चंद माह पहले एक जहाज कताजना से यूनान की तरफ जा रहा था कि लूट लिया गया, इसी में वो लड़का था, हमें इसी की तलाश है। हराफा ने सर से लेकर पांव तक दानियाल को गहरी नजरों से देखा, फिर वो दीदे घुमाकर कुछ सोचने लगी। सोचते सोचते अचानक इसकी आंखों में चमक नजर आई। उसने दानियाल से कहा, कौन से इलाके में इसे लूटा गया था वो जहाज? आप तो गालिबन मशरकी बहरे रूम का जिक्र कर रहे हैं, है ना? हाँ, इसी मशरकी बहरे रूम का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन वो इलाका तो मारफिस की पहुंच से बाहर है। मारफिस जजीरे के कजाकों का तसल्लुत सिर्फ मगरबी बहरे रूम पर है, मशरकी बहरे रूम कजाकों की किसी मस्कन के मातहत नहीं। वहाँ तो मुहज्जब लुटेरे कोनाडस और मुआबरे लूटमार करते हैं। आपके लड़के को यकीन है इन दोनों में से किसी एक लुटेरे ने कैदी बना लिया होगा। मारफिस की आमसी हराफा इतनी मालूमात रखती थी। दानियाल और उसके साथी शशदर रह गए। शीतल फरते जज्बात से दो कदम आगे बढ़ाई और अपने दोनों हाथों से हराफा का कंधा थामते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ, हमारे जहाज पर कोनाडस ने कब्जा किया था, मैं भी संतोष के साथ थी, मैं छूट गई, लेकिन इसका अभी तक कोई पता नहीं, और अब हम संतोष को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचे हैं। नहीं, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। फिर भी आप चाहे तो कजाकों के बूढ़े सरदार जिदान से मिल लें। अगर आपके जहाज को कोनाडस ने लूटा था तो वो यकीनन लड़का जिसे आप ढूंढ रहे हैं रूम भेज दिया गया होगा। मशरकी बहरे रूम के लुटेरे अपने आप को सिपाही कहते हैं। वो लूटा हुआ माल माले गनीमत के तौर पर अपने अपने मुल्कों को भेज देते हैं। आपको चाहिए कि आप रूम का सफर करें। रूम का सफर तो कर ही रहे हैं, मारफिस के जजीरे पर तो महज रुकने की गर्ज से रुके थे, वो यहाँ ज्यादा देर न रुकने वाले थे। यही वजह थी कि वो सुबह सवेरे जजीरे के साथ आ लगे थे। आरफान का तो इरादा था कि वो ग़ुरूबे आफ्ताब से पहले वापस जहाज में सवार हो जाएंगे। हराफा को शराब की कीमत अदा करके उन्होंने शुक्रिया अदा किया और आगे चल दिए। कजाकों का जजीरा अपनी नौयत के एतबार से नहायत अजब था। हर कोई अपने धुन में मस्त, हर कोई सवासेर, वो हैरत भरी निगाहों से एक एक चीज को देखते बड़े बाजार की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ सब दुकानें पक्की थी, गारे और गारे पत्थर और गारे से बनाई गई, और इन दुकानों में बैठे दुकानदार भी कजाकों के बजाय ताजर मालूम होते थे। ये दुकानदार जजीरे पर ही रहते थे और कभी लूटमार के लिए समुद्र में ना गए थे। बड़े बाजार में कदरे भीड़ थी, हर शख्स सीना ताने बाजू मारता हुआ चल रहा था। मान एक तरफ से शोर बुलंद हुआ। मौसी सामीन हजरात, शहर करताजना की यह अजीब दास्तान अभी जारी है, बकिया वाकया तकली किस्ती देखते रहिए नावलिस्तान इस्लामी और तारीखी कहानियों का मरकज। अल्लाह हाफिज़।